बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लहसुन के फ़वाइद के बारे में। चूँकि हम में से बेशतर लोगों को इसकी अफादियत के बारे में मालूम ही नहीं है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि लहसुन को सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हम बेशतर बीमारियों से, डॉक्टर के पास जाने से, मेडिसिन लेने से बच सकते हैं। तो हम बात करेंगे लहसुन के बारे में, तफसील से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखें ताकि आप भी लहसुन के फ़वाद के बारे में जान सकें। लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद मगर सस्ती चीज़ है। ज़माना कदीम से लोग लहसुन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। रोम, मिस्र, ईरान, यहूद, अरब और दुनिया के बेशुमार हुक्मा ने लहसुन के फ़वाइद के बारे में तफसील से लिखा है, मगर किसी ने भी आज तक लहसुन को इस्तेमाल करने के बारे में ये नहीं कहा कि यह ख़तरनाक है। आज हम आपको लहसुन को खाली पेट खाने के फ़वाइद के बारे में बताएँगे। हर सुबह देसी लहसुन का एक या दो जवे खाना बहुत मुफीद है। लहसुन का छिलका उतार कर अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ खून की रवानी को बेहतर करता है बल्कि इंसान के पेट की चर्बी को भी कम करता है। लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक है और सर्दियों में इसके इस्तेमाल से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जैसे मौज़ी अमराज से महफूज रहता है। लहसुन खून को पतला करता है जिससे आपके खून की गर्दिश तेज़ होती है और इसके साथ साथ जो बंद शरियाने हैं उनको भी खोलता है। लहसुन को खाली पेट खाने से पेट में मौजूद बैक्टीरिया जो पेट खाली होने की वजह से कमज़ोर हो जाता है और लहसुन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, जिससे आप सेहतमंद और कई बीमारियों से महफूज रहेंगे। अगर खून की शरियाने बंद होने लगें तो रोज़ाना खाली पेट लहसुन के इस्तेमाल से बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि आपकी तबीयत बहाल हो रही है। अगर आपको जल्दी बीमारी का मसला दरपेश है तो खाने में लहसुन की मकदार बढ़ा दें, इससे आपके जिस्म में जहरीले मादे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जल्द तरोताज़ा और सेहतमंद नज़र आने लगेगी। लहसुन के इस्तेमाल से आसाबी कमज़ोरी का मसला भी जल्द हल हो जाता है, जबकि आपके एसाब को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। लहसुन हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, जिससे हमारे जिस्म में मौजूद बीमारियों से लड़ने वाले जरासीम को ताकत मिलती है और हमारा मुदाफियाती निज़ाम बेहतर हो जाता है। लहसुन शुगर यानी डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें सल्फ़र कंपाउंड होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ये हमारी बॉडी में से, लिवर में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ये हमारे एक ब्लड प्यूरिफायर है। ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक है और इसमें एलिसिन एक कंपाउंड होता है जो कि वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है जो कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स के खिलाफ लड़ते हैं। लहसुन के इस्तेमाल के और भी बेशुमार फ़वाद हैं, इसलिए लहसुन को अपने मामूल के खानों का हिस्सा बना लें ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।